डियर एम्प्लॉयर्स, क्या आपको पता है कि आपके प्रतिष्ठान में कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में भी ईपीएफ अनुपालन की जिम्मेदारी आपकी ही है? जी हाँ, ईपीएफ एक्ट की धारा 2F के अनुसार वो प्रत्येक कर्मचारी जो प्रतिष्ठान के किसी भी कार्य के लिए सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से वेतन पाता हो, प्रतिष्ठान का कर्मचारी माना जाता है और उसके ईपीएफ ड्यूज जमा करने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की है। यहाँ तक कि यदि ठेकेदार प्रतिष्ठान अगर स्वयं भी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है तो भी प्रधान नियोक्ता यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अनुपालन के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार है। प्रधान नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो ठेकेदार को नियोक्ता अंशदान व प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करे और ठेकेदार द्वारा उसे जमा कराया जाना सुनिश्चित करे। इसलिए प्रत्येक नियोक्ता को चाहिए कि वो अपने ठेकेदारों के अनुपालन पर भी नजर रखे और ये सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा प्रतिष्ठान के काम में नियोजित कर्मचारियों का पूरा पीएफ समय से जमा हो। ठेकेदारों के अनुपालन को जांचने के लिए ईपीएफओ ने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर लॉगिन करके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ठेकेदार का ईपीएफ कोड नंबर और कर्मचारियों का यूएएन नंबर डालकर उनके ईपीएफ जमा होने की जांच कर सकते हैं। ये सुविधा उन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को भी उपलब्ध है जो खुद ईपीएफ में रजिस्टर्ड नहीं है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल सुविधा को प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अपने पोर्टल पर लॉगिन करके अपने ठेकेदारों का विवरण भरना पड़ेगा। ठेकेदार को भी अपने लॉगिन से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का विवरण भरने की सुविधा उपलब्ध है। आइए इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर बाईं ओर नीचे दिए गए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स पोर्टल बटन पर क्लिक करें। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स पोर्टल में लॉगिन करें, एस्टैब्लिशमेंट पर जाएं, कॉन्ट्रैक्टर में जाएं और ऐड न्यू कॉन्ट्रैक्टर पर क्लिक करें तथा ठेकेदार की एस्टैब्लिशमेंट आईडी दर्ज कर सर्च करें। ठेकेदार का नाम दिखाई देगा। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट भरें और यदि उपलब्ध हो तो कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट भी भरें। वर्क ऑर्डर की पीडीएफ फाइल अपलोड करें, सबमिट करें। वर्क ऑर्डर का प्रथम पेज जिसमें ठेकेदार का नाम और ठेके का पीरियड हो ही अपलोड करना काफी होगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने सभी ठेकेदारों को एक पेज पर देख सकता है और यदि कोई विवरण गलत है तो ठेकेदार को डिलीट कर दोबारा सही विवरण भर सकता है। ठेकेदार ऐड करने के बाद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अपलोड मंथली डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज लिंक से ये विवरण करने होंगे। कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट से ठेकेदार को सिलेक्ट करें, वेज मंथ सिलेक्ट करें और फाइल जिसमें सभी संविदा कर्मियों के नाम, वेतन जिस पर ठेकेदार को ईपीएफ का भुगतान प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया है और काम के दिन हो अपलोड करें। इसके बाद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने ठेकेदार द्वारा जमा किए गए ड्यूज की जांच कंप्लायंस डैशबोर्ड से कर सकता है। भारतीय रेल, सीपीडब्ल्यूडी जैसे सरकारी विभाग जो स्वयं ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे भी इसी पोर्टल पर अपने इनकम टैक्स टैन से खुद को रजिस्टर कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वे अपने ठेकेदार के विवरण दर्ज कर उनके द्वारा किए गए ईपीएफ कंप्लायंस की जांच कर सकते हैं। तो ये थी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल के बारे में समस्त जानकारी। हमें विश्वास है कि आप इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने कर्मचारियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। यह मैसेज विशेषकर उन सभी एम्प्लॉयर्स के लिए है जो अपने संस्थानों में रेगुलर एम्प्लॉयज के अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू भी एम्प्लॉयज रखते हैं। ईपीएफ एक्ट के प्रावधानों के तहत यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज का ईपीएफ ड्यू समय से जमा करवाना सुनिश्चित करें। आपको यह लगातार वॉच करते रहना है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर ईपीएफ एक्ट के प्रावधानों का ठीक से कंप्लायंस कर रहा है या नहीं। इसके लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। इसका नियमित उपयोग कीजिए और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचे रहिए। जानकार बने, सुरक्षित बने। जय हिंद।